नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 9 में आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को लेकर लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी KI ठाकुर की अगुवाई में नगर परिषद के कर्मचारी ने कुदाली और हथौड़े से अतिक्रमण की हुई दीवार को गिराया। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण न हो इसलिए इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी KL ठाकुर ने बताया कि कुछ समय से स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण की शिकायतें की जा रही थी और नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर जायजा भी लिया था। उन्होंने बताया कि बार बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था, मगर कोई भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की, जिस पर पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों ने अतिक्रमण को हटाया। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद अब गली चौड़ी हो गई है और आवाजाही के लिए खोल दी गई है। ये वार्ड नंबर 9 का जो एनक्रोचमेंट का जो मामला आया है, इसके संबंध में वहाँ के जो साथ में जो घर हैं उन्होंने नगर परिषद में शिकायत की थी कि उन्होंने नगर परिषद की गली के ऊपर दीवार लगा दी है और आने जाने का जो रास्ता था वो अवरुद्ध हो गया है। तो उसके उपरांत हमारे जो कार्यालय के फील्ड स्टाफ के अधिकारी हैं वो मौके पर गए, उन्होंने निरीक्षण किया और पाया कि जो बिमला देवी बाइफॉक कैलाश चंद वार्ड नंबर 9 की निवासी है, उसने उस गली के ऊपर एक दीवार लगा दी थी जो गली नगर परिषद ने इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर बनाई थी। तो हमने उनको नोटिस दिया, नोटिस लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हमने नोटिस का वहाँ पर चस्पान करवा दिया और आज हमने उस दीवार को पुलिस की सहायता से नगर परिषद के स्टाफ द्वारा जो है उसको हटाया गया है और अब आने जाने के लिए जो है वो गली बिल्कुल ठीक हो गई है, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है और बड़ा इजीली उसमें से लोग जो हैं वो अब आ जा सकते हैं। ये गली जो है लगभग कहीं 1.5 मीटर की लगभग चौड़ाई है उसकी, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो जहाँ भी मतलब जैसी ज़मीन अवेलेबल थी वैसे जहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स जो है वो डाली गई है। अगर इस तरह कोई अन्य निवासी इस तरह का कोई ऑफेंस करता है तो उसके प्रति भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी जैसी आज हमने की है।